न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव 2019 में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अभी भी इस्तीफा देने पर अड़े हुए थे, लेकिन वही जबकि कई दिग्गज नेता उन्होंने मनाने का प्रयास भी कर रहे थे। बता दें इसी क्रम में अब तक 13 प्रमुख नेता अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सबसे ज्यादा नाराजगी जताई है। अब सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी परिवार के वफादार गहलोत से क्यों नाराज है और राहुल गांधी के इस नाराजगी की मीडिया में आई खबरों के अनुसार, बता दें मंगलवार को जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट राहुल से मिलने पहुंचे तो कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया। जी हाँ, बता दें दोनों ने कुछ देर इनका इंतजार किया और फिर प्रियंका गांधी से मुलाकात कर वापस लौट गए। ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल का मानना है कि बेटे के चुनाव पर ध्यान देने के लिए उन्होंने राज्य की सभी सीटों पर ध्यान दे दिया। राजस्थान के कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से वो सचिन पायलट से नाराज है। उन्हें लगता है कि इस गुटबाजी के चलते ही मात्र 3 महीने में राजस्थान में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। जाहिर है कि हाल की समीक्षा के लिए बुलाई गई CWC मीटिंग में भी राहुल ने अशोक गहलोत, कमलनाथ और चिदंबरम जैसे सीनियर नेताओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि नेताओं ने बेटे की सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है। इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि राहुल ने पार्टी को नया अध्यक्ष चुनने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। उन्होंने पार्टी को राहुल गांधी से दूर रखने का पूरा प्रयास किया और 4 में से 2 सभाओं में तो पायलट को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। पायलट की पुरानी संसदीय क्षेत्र रूपनगर में भी हुई सभा में तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने उन्हें मन से नीचे तक उतार दिया था। हालांकि इसका काफी विरोध भी हुआ था। वही सभा में आए लोगों ने जमकर नारेबाजी कर रहे लोगों को शांत कराने के लिए माखन प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित कई मंत्री मैदान में उधर उधर दौड़ते नजर आए, लेकिन भीड़ शांत नहीं हो पाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर लोगों के से हाथ जोड़कर शांत रहने का आग्रह करते रहे। बता दें वही भाषण देते हुए राहुल गांधी को भी लोगों को शांत रहने का आग्रह करना पड़ा, लेकिन उनके अपील का कोई असर नहीं हुआ। दरअसल राहुल और गहलोत जब एक गाड़ी में सवार होकर नागौर जिले के मकराना की सभा के लिए रवाना हुए थे तो लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी की। पुलिसकर्मी भीड़ को उनकी गाड़ी पर तब बढ़ने से रोकना पड़ा। बता दें रूपनगढ़ में भी पायलट की गाड़ी को राहुल गांधी के काफिले में शामिल होने से रोका जाने के लिए उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई। राहुल गांधी के पहले दिन हनुमानगढ़ी जिले में हुई सभा में भी पायलट को बोलने का मौका नहीं दिया गया। बता दें पायलट समर्थक विधायकों और नेताओं ने दौरे में राहुल गांधी के साथ मौजूद पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल से भी बात की। बता दें राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा 12 और 13 फरवरी को खत्म हुआ था, लेकिन गहलोत और पंचायत के पायलट खेमे के बीच गहिचतान के पहले की बजाय बढ़ गई है। दोनों के समर्थकों ने अब खुलकर मैदान में उतरने का मन बना लिया है। बता दें राहुल गांधी के दौरे में खुद ही अपेक्षा से नाराज पायलट अब 17 फरवरी को जयपुर के जिले कोठवादा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी जुटे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये कयास लगाया जा रहे थे कि पायलट गुट कहीं ना कहीं गहलोत गुट से नाराज है। पायलट अब तक प्रदेश में 2 किसान महापंचायत कर चुके हैं। बता दें गहलोत खेमा इससे काफी ज्यादा नाराज है। पायलट खेमे के विधायक विधानसभा में अपनी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब पार्टी के भीतर खुद को मजबूत करने को लेकर नई रणनीति बनाने में गहलोत पूरी तरीके से जुट गए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।